पुलिस ने जेल में बंद अपराधियों से मोबाइल बरामद किए हैं। आपको बता दें कि हिसार के टाउन पार्क स्थित जेल से पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर 9 मुकदमे दर्ज करके 16 मोबाइल बरामद किए हैं। जेल में बंद विचाराधीन व सजायाफ्ता कैदियों से फोन व सिम बरामद किए गए। इन अपराधियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टिगत जेल के चारों स्थानों पर PCR राइडर गश्त करते रहते हैं। सड़क के साथ लगती है बॉर्डरी बाल पर पुलिस ड्यूटी पर तैनात है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जेल में मोबाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्च अभियान के तहत अलग अलग बैराकों से मोबाइल बरामद किए गए और इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। इस मामले में अपराधियों की जांच करके अगली छानबीन शुरू कर दी जाएगी। प्रोटेक्शन वारंट लेकर अपराधियों से पूछताछ की जाएगी। हिसार जेल में मोबाइल कैसे पहुंचे, ये जेल के अंदर की बाहर की सुरक्षा व बाहर की सुरक्षा पर सवाल या निशान है। इसमें किसकी मिली भगत हो सकती है या नहीं है, यह भी एक सवाल उठता है। सूत्रों की माने तो अगर इस तरह से जेल से अपराधियों से मोबाइल बरामद होते रहे तो आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। जेल में बंद अपराधियों से जो मोबाइल व सिम पुलिस ने बरामद किए हैं, फोन से किन किन लोगों से बातचीत की, यह भी जांच का विषय बनता है। इस मामले में हिसार के PLA चौकी प्रभारी व सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने बताया कि मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। हिसार के PLH चौकी प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जेल में मोबाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्च अभियान के तहत अलग अलग बैराकों से मोबाइल बरामद किए गए और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस मामले में अपराधियों को जांच करके अगली छानबीन शुरू कर दी जाएगी। प्रोटेक्शन वारंट लेकर फोन मिलने वाले लोगों से अपराधियों से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टिगत जेल के चारों स्थानों पर PCR राइडर गश्त करते रहते हैं। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। इसके बारे में हमें गुप्त सूचना मिली थी कि जेल के अंदर मोबाइल प्रयोग किए जा रहे हैं, जो इस संबंध में जेल अधिकारियों को अवगत कराया गया और एक अलग से अभियान चलाया गया। हर बैरिक की गहनतापूर्वक तलाशी ली गई। उस सर्च अभियान के दौरान समय समय पर मोबाइल बरामद हुए हैं, जिन पर 9 मुकदमे अलग अलग सजायाफ्ता कैदियों पर, विचाराधीन कैदियों पर अंकित किए गए हैं, जो इस दौरान टोटल 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 9 मुकदमों के अंदर 16 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो सभी मुकदमे अभी विचाराधीन हैं, जो माननीय न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट लेकर के जिन जिन से मोबाइल बरामद हुए हैं उनको शामिल तफ्तीश करके आगामी तफ्तीश अमल में लाई जाए। अलग अलग तरह के अपराधी हैं, जैसे कि अरविंद बाल संबंध है, सुरजीत मंगाली है, रोहित है, फतेहाबाद से है, किसी के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं, किसी के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं, किसी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं और कुछ नाम पता नाम मालूम है। जैसे किसी बारिक के अंदर मोबाइल मिले हैं, जिस बारिक के अंदर जो सब कैदी रहते हैं या विचाराधीन कैदी हैं, उनको सबको प्रोटेक्शन वारंट को लेकर के गहनतापूर्वक पूछताछ की जाएगी। इस बारे में हमारा साइबर क्राइम है, उससे कोई ना कोई, जैसे हम किसी अपराधी को शामिल तफ्तीश करते हैं, उस दौरान तफ्तीश के दौरान हमें पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ ऐसे जेल के अंदर ये चीज़ प्रयोग की जा रही है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शामिल तफ्तीश होने के बाद ही सारी आगे की तफ्तीश में इसका खुलासा हो सकेगा। ये कल भी बारीक नंबर 3 ब्लॉक नंबर 6 से 2 एक कैदी है ठंडी सड़क का, उससे मोबाइल बरामद हुआ था और एक अन्य है NDPS एक्ट मुकदमे में बंदी है, उससे भी एक मोबाइल बरामद हुआ था, जिनके खिलाफ कल अभियोग दर्ज कर दिया गया है और आइंदा कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट लेकर के शामिल तफ्तीश करके आगामी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा को लेकर जेल के चारों तरफ ने खाली जगह है और समय समय पर हमारी PCR, हमारा राइडर और मैं सब भी सरकारी गाड़ी लेकर के सुबह शाम दोपहर लगातार गश्त करते रहते हैं। फिर भी सड़क के साथ लगती जेल की बाउंड्री है, इसकी बॉलिंग मोबाइलों की बॉलिंग से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे स्पष्ट उस समय हो पाएगा जब इनको प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर के शामिल तफ्तीश करेंगे। हाँ, पार्क की बाउंड्री भी लगती है, पिछली साइड से जो पुराना डाबड़ा माइनर सेरेज आता है ये इधर जाता है, पुराने गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड की तरफ जाता है, यहाँ पर इसकी बाउंड्री लगती है और इधर से PLA की बाउंड्री लगती है जो पटेल साइड को जाता है, पटेल नगर साइड को जाता है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.